कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू बाइक। चलो भाई। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम अरबान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्लॉग्स मुंबई। सो आज काफ़ी दिन के बाद मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे मैं मिल रहा हूँ आपसे। अभी बात कर रहा था मैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप को लेकर, काफ़ी दिन के बाद मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब मुरूर जंजीरा से रिटर्न वाला वीडियो मैंने अपलोड किया, वो भी डेढ़ महीने के बाद एडिट किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपने वक्त में मैं बिज़ी था, जिस वजह से कुछ काम करने के लिए एडिट करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। बट देर से आए दुरुस्त आए, बड़ा अच्छा लग रहा है एक बार फिर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर आने के बाद। सो आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है, बड़ा ही स्पेशल, मतलब जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा है वाली बात है आज वाली। बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमारे दोस्त की, हमारे मित्र की बाइक आने वाली है, जो उसकी ड्रीम बाइक थी, वो काफ़ी साल से सोच रहा था लेना है, उसे लेना है, बट आज उसका फाइनली सपना होने वाला है पूरा। अभी हो रहे हैं 3:45 की बाइक की डिलीवरी का टाइम दिया है, विनायक और ज्योति पहले से वहाँ जाके पहुँच गए, बस हमें वहाँ जाना है और वीडियो शूट करना है हमारे दोस्त की गाड़ी की डिलीवरी का, और मज़े लेंगे, बाकी सब बढ़िया है, फटाफट वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच गए माहिम माइकल चर्च के पास, यहाँ पर अभी हमें ढूंढना है केक शॉप, केक शॉप ढूंढ के हम जाएंगे केक लेके विनायक के पास, क्योंकि उसने बोल दिया भाई केक लेते हुए आना, क्योंकि केक लेना बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है मीठे से होनी चाहिए, तो हम चॉकलेट भरा मीठा लेके जाएंगे आज। सो आई गेस ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर, यहीं पर कहीं पर है KTM का शोरूम, अगर KTM का शोरूम मिल भी जाता है तो मुझे थोड़ा और आगे जाना ही पड़ेगा केक लेने के लिए, या फिर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं केक शोरूम रहेगा तो वहाँ से हम ले लेंगे केक। है इधर, चलो यहाँ से ले लेते हैं, पहले गाड़ी यहाँ लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जाके केक लेके आते हैं। सो भाई फाइनली ले लिया है यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए केक, अब जाके केक कट करेंगे विनायक के नई गाड़ी की खुशी में। तो ये रहा सामने KTM का शोरूम, ये रहा केक, और हम चलते हैं, भी जल्दी जाते हैं, बेचारा इंतज़ार कर रहा है उसकी नई गाड़ी की बेसब्री से, और उसको सरप्राइज़ देते जाके केक का। फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग, और भाई की गाड़ी आज आने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू बाइक। चलो कम, ये वाला है जो बैग है, कम 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 कम, आपके शुभ हाथों से ये वन, उधर से, उधर से, पीछे से, ऊपर से जाइए। हाँ, 3, 2, 1 तो फर्स्ट लुक 390 एडवेंचर, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगला राइड कहाँ करेगा, घर का? ये पका होता क्लास। अभी बैठ के तो देखा पैर पहुंच रहा कि नहीं, पहले वो बता। सही है, सही है, चल दरवाजा तोड़ के निकलेगा, अभी कैसा करेगा। चलो स्टार्ट करो, कर रहा एग्जॉस्ट का टोटल तो दे, और जोर दे, फुल और जोर दे, उमेरा जल्दी जोर से घुमा, जोर से, अरे घुमा तो सही। चलो चलो चलो, सेलिब्रेशन टाइम, चल जा, चल स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, चल। चलेगा चलेगा चलेगा, इसको माचिस से पता ही चलेगा, दिमाग में चलेगा। ये लगली तो नहीं है, पैसा दिया था ना शायद, हर भाई सामने वाले से लिया, इतना टाइम नहीं लगता यार, अलग से हो जाना चाहिए। उल्टा तो नहीं लगाया ना अपन ने? नहीं, देखो ऐसे जला, हाँ ऐसा जला के लगा देते फटाक से। ये क्या है, ये क्या है, जल जा, जल जा, चलो भाई ऐसे काटते, चलो ऐसे काट, क्लैप तो करो भाई लोग, चलो भाई आ जाओ, ज्योति जी आगे आ जाइए सबसे पहले,
हम मुंह को ले ले चल चला जा। अरे आ जाओ भाई एक मिनट। हां उनको मुंडा ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा भाई गाड़ी का वो अच्छे वाला है। अभी सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अभी थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अभी कहीं लेके चलना पड़ेगा। अरे जाइए जाइए, यही तो मौका है, यही तो मौका है जाने वाला। आ जाओ, कांग्रेचुलेशन, एक फोटो क्लोज, बढ़िया। चलो चलो चलो, गाड़ी हमारी जा रही है बाहर, बहुत ही शानदार। अब हम गाड़ी पे बैठेगी एक बार, बीनू भैया स्टैंड से नहीं उतरेगी हमसे, ये ना हुई हमसे नहीं होएगा। अबे तेरे पेस की गिरा था, देखा हमसे ना हुई ये हमारे वाली लाइफ बनी नहीं है। चलो फाइनली फाइनली स्टार्ट करो गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट करो, आगे नीचे उतरो। तो फाइनली भाई बहुत दिन के बाद मतलब मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे आया, और मेरा कैमरा भी मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है, बार बार बंद हो जा रहा है, इसकी बैटरी ख़राब है। तो दिखाता हूँ हमारे दोस्त की नई गाड़ी, ये रही KTM 390 एडवेंचर। देखिए किस तरह से हंस हंस की गाड़ी चला रहा है छोकरा। ज्योति है सीट बेल्ट बांध ले पीछे, पहले बोल रहा हूँ उड़ जाएगी तो बोलना नहीं। गाड़ी लुक में बहुत अच्छी है, बट एक दिक्कत है क्या, मेरा पैर नहीं पोछ रहा है, ये गाड़ी मेरे लिए बनी नहीं है। पर ये गाड़ी मेरे लिए नहीं बनी है, स्टैंड निकालने के लिए मेरा पैर ही नहीं पोछ रहा ऊपर तलक। तो आप सभी लोग दुआ करना, ऐसी गाड़ी मैंने सोच के रखी है, हंटर 350 और ट्राइम 400, दोनों में से एक गाड़ी मुझे लेनी है, और गोल सेट किया है जून या फिर अप्रैल। दुआ करें जल्द से जल्द गाड़ी आ जाए अपनी भी, आप लोग की दुआ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। और चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पता नहीं है वीडियो कब तक चलेगा, क्योंकि कैमरे की बैटरी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है, ख़राब चल रही है, कभी भी बंद हो सकता है कैमरा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शॉर्ट वीडियो था, बस गाड़ी की डिलीवरी के लिए आए थे इसलिए वीडियो बनाया गया, बाकी सब बढ़िया है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना। गए दादर शिवाजी पार्क के पास, जो कि 6 दिसंबर की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है यहाँ पर। ये देखिए किस तरह से तैयारी चल रही है 6 दिसंबर की। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर सिद्धिविनायक टेंपल के पास, विनायक को लेके जाना है सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए, क्योंकि नई गाड़ी है तो एक बार भगवान के दर्शन उसको ज़रूरी है। तो फाइनली कुछ बज गए हैं शाम के 4:50 और विनायक की हो गई है दर्शन पूरे। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, अभी तक हम लोग लंच के बाद सबसे पहले तो लंच करेंगे, लंच के बाद देखते हैं कहीं और जाने का प्लान रहा तो जाएंगे, बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया है। क्या मालूम सुनाई नहीं दिया। ओहो गाड़ी लहराते हुए KTM 390 एडवेंचर। मुझे तो लगता है अभी विनायक क्या पता मिलेगा ही नहीं है सर, एक थ्रॉटल मारेगा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, मैं उसको ढूंढते रह जाऊँगा। जब तक उसकी हॉर्नेट थी तब तक तो समझ में आ रहा था, अब पता नहीं। ओहो BST की नई बस, क्लास, नई गाड़ी नई बस, अब क्या क्या नया देखने मिलेगा आगे और पता नहीं। 5:30 और हम आ गए हैं अफजल माओ रेस्टोरेंट में, यहाँ पर हम करेंगे लंच। शाम को 5:30 बजे हम लोग आए यहाँ पर लंच करने के लिए, लंच और डिनर
एक साथ करेंगे। सो यहाँ पर लिया जाएगा एक वन ऑन वन इंटरव्यू। आज का एक्सपेक्टेशन लेवल जो भाई का था जो बढ़ गया था, और गाड़ी फिलहाल मिल गई, गाड़ी हाथ में भी आ गई, चला भी लिया। अब जानते हैं विनायक की ज़बान से उसको अभी कैसा फील हो रहा है। सो भाई गाड़ी तो आ गई, अभी आगे का क्या प्लान, अपने आगे का क्या गोल सेट किया है, क्या करने वाले हो लाइफ में? गाड़ी को लेकर आ, सिर्फ गाड़ी को लेकर मतलब कौन सी ऐसी राइड सोचा है जो अभी आगे फ्यूचर में करना है, ऐसी कौन सी राइड है? अभी राइड पे जाना है और क्या, मतलब कितनी ऐसा दिमाग में क्या रखा है, कौन सी राइड करनी है, कभी करनी है, ऐसा कुछ प्लान सेट किया अभी तक? पहले गाड़ी को कंट्रोल में लाना है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी राइड करेंगे और क्या। पहली राइड तो हंटर 350 के साथ ही होगी और क्या, जब मेरे दोस्त की हंटर 350 आएगी। हंटर की बात कर ही लिया है तो बात अभी आगे बढ़ा ही देता हूँ, अप्रैल या फिर जून तक मेरी गाड़ी भी आ जाएगी। बड़े सारी चीज़ पॉसिबल तब है जब आप लोग दुआ करोगे कि मेरे पास भर भर के पैसे आ जाए। जब तक भर भर के पैसे नहीं आएंगे गाड़ी नहीं आएगी, और फिर बड़ी बड़ी राइड्स भी हम लोग आगे कंप्लीट करनी है। जो हम लोगों ने हमारा ड्रीम राइड था K2K, जो 2-3 साल पहले हम लोगों ने बनाया था, वो अब तक ड्रीम में ही है। वो सपनों की दुनिया कब ख़त्म होगी कुछ पता नहीं, बट कोशिश है जल्द से जल्द वो हम लोग ड्रीम राइड को कम्प्लीट करें, और उसके साथ में फिर लद्दाख राइड में भी और जंस्कार ये स्पीति वगैरह सब करेंगे, सब सारी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है। बट हमारी घर वाली बोलती है बुढ़ापे में तुमको शौक आ रहा है राइड करने का, तो उनको बताना चाहूँगा अगर वो मेरा वीडियो देख रही है तो, मतलब घूमने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, आदमी बुढ़ापे में भी गाड़ी पे लेके जाके घूम सकता है। सही कहा भाई मैंने? एकदम एकदम सही कहा भाई, आदमी बुढ़ापे में आराम से घूम सकता है। ऐसा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसकी एज 40 हो या 30 हो तो घूमेगा, बट वो कभी भी घूम सकता है। सो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा। सो बिग थैंक्स हमको इन्वाइट करने के लिए आपकी गाड़ी के स्वागतम में, और कॉन्ग्रेचुलेशन विनायक को, और आप सभी लोग बधाई दे सकते हो कमेंट करके। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर भी नहीं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, टाटा।